जब मैं 9 साल की थी तब मेरी माँ की शादी सीपी सिंह से हुई थी और तब से आज तक हम लोग उन्हीं के साथ रह रहे थे। लेकिन इनका व्यवहार इतना गलत हो गया था कि बात बात पे मारना, बात बात पे पीटना और बहुत ज़्यादा घर में टेंशनबाजी देना। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दुखी परेशान करते थे कि कहते थे कि तुम ये इन्हें इसलिए चाहते थे कि बस इन्हें यूज़ किया और छोड़ दूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो तुम मुझे छोड़ के कैसे रह सकते हो। तो ये अपनी शादी कहीं और करने के लिए भी चल दिए थे। मेरी माँ की मौत 19/2 2015 को हुई है। उनको जहर दे के मारा गया था। उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि ये कहीं कुछ कह पाए और इतना डराया मुझे, इतना मारा पीटा भी कि अब तू कहेगी। और साथ में इन्होंने वीडियो भी क्लिपिंग की है मेरी, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी वासना में ये तबाह कर दे। क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, कह रहे तुझे भी मार डालूंगी जिस तरह से तेरी माँ को मारा है ना और तेरे भाई को मारा है, उसी तरह से मैं तुझे भी मार दूंगा, तू करके देख मेरे खिलाफ कुछ भी। ये मामला ये है कि एक आरती रस्तोगी और भावना नाम की लड़की है, ये शादीशुदा है, मैरिड है ये, और इसकी माँ थी मुन्नी देवी। और जब इसकी उम्र 9 वर्ष की थी तब मुन्नी देवी ने अपने जो जिस इसके फादर को डाइवोर्स देते हुए, एक चंद्रपाल सिंह थे, सीपी सिंह पुलिस महकमे में कांस्टेबल पद पे है और इसकी माँ भी कांस्टेबल थी पुलिस महकमे में, उनसे शादी कर ली और ये बच्चियाँ उसी साथ रहने चाहिए पिताजी कहती थी। तो इनका ये जो सौतेला बाप जो है, इसने इसके छोटे भाई शिवम रस्तोगी की हत्या की और ये जो है करैक्टर से काफ़ी गिरा हुआ व्यक्ति है और इसके भाई ने कुछ कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया था इसको, तो इसके भाई की भी इसने हत्या कर दी और उसको सुसाइड केस बना के पेश किया था और 2010 में, और उसके बाद 2015 में इसकी माँ की हत्या की है इसने। उसके बाद जब ये अपने माँ के घर पे थी तो इसे चंद्रपाल सिंह अपने ये सौतेले पिता के बक्से से कुछ पेपर्स मिले, 5 पत्र हैं जिसमें चंद्रपाल सिंह ने जैन बाबा और जैन बाबा हैं कोई उनको एड्रेस करते हुए अपने सारे जुर्म का इकबाल करते हुए कहा है कि मैं पापी हूँ और उसमें उन्होंने ये सारे गुनाह लिखे हैं।